मुकेश निकोव ओके ठीक है तो एक्चुअली हमारा अभी जो एक बीम का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है आप सबको पता है का मैंने पहले अलाउंस कर रखा था यूट्यूब पे तो उस बैच में क्या क्या पढ़ेंगे एक्चुअली तो उसको मैं चाह रहा था थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं और थोड़ा सा आपको भी बीम का इंपॉर्टेंस और बीम के बारे में पता होना चाहिए तो आज के लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे अबाउट बीम बीम के बारे में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज बीम बीम एंड के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं बहुत ही डीप लेवल में समझेंगे सो so कि अगर हम खुद से भी बैठ के घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं तो समझ पाए ओके okay, ये ये चीजें बीम में होती हैं तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या बीम में आपको आना चाहिए मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ आई थिंक अभी मैक्सिमम लोग आ चुके हैं जितने लोग आने वाले थे Uh, Rabbit, यहां पे पहला ही लोगों हमने किस का लगाया का हुआ है है? हुआ बी आई एम कॉन्सेप्ट के बारे में वट इज बीम कॉन्सेप्ट ओके द फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू डी बेस्ड टू अ प्रैक्टिकल रियलिटी विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल इकोनॉमिक एनर्जी एलसेट्रा

एक मॉडल के रिस्पेक्ट में एक आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है उसी प्रोजेक्ट को हर एक प्लेटफॉर्म उसी प्रोजेक्ट की पे काम करना है, तो एक ही को अलग अलग प्लेटफॉर्म कैसे शेयर करोगे और एक ही प्रोजेक्ट क्योंकि अभी तक क्या होता था अभी तक हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड था वो ये था कि हम टू बनाते थे ऑटोकेर में फिर रेबिट में जाके उसका थ्री बनाते थे और फिर उसके बाद हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे कि में फोर डी करते थे या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर तो कि एक ही मॉडल को अलग अलग जगहों पर लेके जा सको और उनको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सको और वर्क कर सको लाइक आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन आर ट्राइड टुगेदर एंड चैलेंज टू कोऑर्डिनेट देम Is un possible. एक ही प्लेटफॉर्म पे ले जाके हम लोग अभी जो इसके है, कि आप एक ही चीज को आप आर्टिटेक्ट्रक्चर पे, पे और एमईपी तीनों पे ले जा सकते हो सारे काम एक साथ हो जाएंगे आपके एनर्जी एनालिसिस बीम कॉन्सेप्ट में आपका ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी एनालिसिस कैन बी डन एट अर्ली स्टेज ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर बिकमिंग मोर प्रेडिक आपको कितनी एनर्जी के कहां पे है कितना कहां पर गैस चाहिए मतलब कि आपको कूलिंग के लिए कितना स्पेस चाहिए गैस uh, होते हैं गैस uh, को एनालाइज करना पड़ता है और रेबिट एमपी के अंदर होता है तो उसको भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं प्लस हमें ऑक्सीजन कितना मिलने वाला है कितने ट्रीज लगाने वाले हैं उसकी भी हम लोग पहले से एनालिसिस कर लेते हैं दैट इज अंडर द बीम कॉन्सेप्ट चले नेक्स्ट इसके अंदर कुछ इसके बेनिफिट्स देखेंगे जिसको हम लोग मीनस अगर हम बेनिफिट की बात करें तो बीम अगर कर रहे हैं तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमारे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्यूरेसी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है रेबिट के अंदर जिसने आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो रेबिट को ऑलरेडी यूज कर चुके होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि रेबिट सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्यूरेसी से मतलब अगर वहां पर 162 डाला हुआ है तो 162 इंचेस ही बनने वाला है 163 नहीं बनता है तो वो क्यों क्योंकि रैबिड सॉफ्टवेयर के अंदर एक काफी अच्छी है मैं इसका वीडियो बंद कर देता हूँ क्योंकि वीडियो से थोड़ा आपको आवाज वगैरह इधर उधर हो सकती है ओके okay. हाँ अभी वीडियो बंद कर दे सकते हो मे भी अभी सही आएगी तो इसीलिए मैं किसी ने और वीडियो अगर ऑन किया है तो प्लीज ऑफ कर देना वीडियो को चलो नेक्स्ट एक्यूरेसी आपको समझ में आ गया रिलायबिलिटीज ये भी इसके अंदर बहुत अच्छी होती है और नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम सेविंग एंड टेक्निक्स मीन्स इसके अंदर हम टाइम सेव कर सकते हैं कैसे टाइम सेव कर सकते हैं हमने पहले से बजट बना के रखा हुआ कि इतने टाइम पे हम ये करेंगे इतने टाइम पे ये करेंगे इतने टाइम पे ये करेंगे डेफिनेटली हमारा क्या होगा टाइम सेव होगा करेक्ट क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को प्लान नहीं करते हैं जैसे कि आज को मैं अगर फुल डे अपना डिस्कस करूं तो मैं पूरे दिन में क्या कर रहा था मैं मॉर्निंग में थोड़ी सी स्टडी किया उसके बाद एक, एक तो फ्रेंड से बातें किया तो अगर इसी चीज को एक्यूरेसी के साथ मीन्स हमने एकदम प्लान कर लिया होता कि सात से आठ यहाँ आठ से नौ यहाँ नौ से दस यहाँ इस तरीके से जाएंगे तो क्या होता है टाइम सेव होता है और ये चीज रेबिट के अंदर हम कर सकते हैं कैसे हम कर सकते हैं उसके अंदर नेविस वर्क सॉफ्टवेयर है नेविस वर्क भी ऑटो का सॉफ्टवेयर तो उसमें हम लोग कर सकते हैं क्योंकि सेवन टू मतलब कि जनवरी टू फरवरी के मंथ के बीच में फुटिंग का सारा काम हम कंप्लीट कर लेंगे ओके okay? और फरवरी टू मंथ uh, जो मार्च का मंथ है उसमें हम लोग कॉलम का सारा काम कर लेंगे इस तरीके से टाइम सेव कर सकते हो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन क्या होता है हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं मैं खुद भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूं तो अगर मान लो मुझे अपार्टमेंट बनाना है तो अब अपार्टमेंट बनाने में प्रॉब्लम क्या होती है कि क�? हम लोग के पास इतनी कॉस्टिंग नहीं रहती है पहले से कि हम चलो फटाफट लगाते जाएंगे बट सपोज हमें पता चल गया कि स्टार्टिंग के थ्री मंथ्स तक हमारे ट्वेंटी लैख या थर्टी लैख में काम होने वाले हैं तो हम ये समझ कर रखते हैं कि स्टार्टिंग के थ्री मंथ्स के अंदर अपने बीडिंग टीम बीडिंग मतलब जो क्या बोलते हैं मार्केट से लेके आते हैं क्लाइंट्स की कौन कौन घर खरीदेगा उन टीम्स को बोल देंगे कि तीन महीने के अंदर इतना पैसे इकट्ठा कर देना इतना बिजनेस कर देना कि हम आगे का काम कर सकें क्योंकि महीने का बैकअप हमारे पास है सो दैट दैट इज इज टर्म टर्म कॉल्ड कॉस्ट इफेक्टिव सोलूशन मीन हम पहले से सोल्यूशन लेके बैठे हुए हैं कि ओके इस मंथ में इतना इस मंथ में इतना तो इंसान टेंशन फ्री रहता है कई साइट्स अभी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पुण्य में एक साइट है ब्रह्मा क्रॉप करके बहुत बड़ा उनका लगभग जी प्लस टेन या जी प्लस ट्वेंटी का प्रोजेक्ट चल रहा था तो उस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम ये हुई कि अचानक से जीएसटी लग गया जो जीएसटी पीछे लगा था तो अचानक से उनकी फंडिंग ही रुक गई पूरी तरीके से फंडिंग ही नहीं आई तो उनका बिल्डिंग एक साल तक पूरा का पूरा बंद था काम और एक साल तक उन्होंने क्रेन का रेंट दिया शटरिंग का रेंट दिया लेबर्स जो थे उनको खिलाया क्योंकि सबको मैनेज करना पड़ा तो एक साल उनका पूरा का पूरा खराब हुआ बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या आपका कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन उन्होंने वो नहीं कर रखा था इजी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज क्या होता है जब हम लोग काम करते हैं तो अभी तक प्रॉब्लम ये होती थी कि स्टार्टिंग में, में जब मैं काम करता था तो हम लोग एक प्लानिंग करते थे और प्लानिंग करके जैसे मैं एक ड्राफ्टमैन था तो मेरा काम था जैसा मेरे इंजीनियर ने बोला मैं ड्राफ्ट कर देता था और उसके बाद जब मैं उसको भेजता था प्लम्बिंग वाले इंजीनियर को या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को तो कम से कम तीन से चार दिन के बाद मुझे वो ड्राइंग फिर से बना के भेजता था कि भाई हम इलेक्ट्रिकल लेआउट यहाँ यहाँ से लेके जाएंगे तो तीन से चार दिन का हमारा प्रोसेस खराब होता था वहां पे प्रोसेस हमारा इधर उधर होता था बट उसी के जगह पे अगर हमने कर दिया एक बहुत ही इजी सिस्टम इजी इन्फॉर्मेशन मतलब एक ही फाइल है इसी फाइल में सब लोग बैठो और सब लोग बैठ के अपनी प्लानिंग करो

तो कहा लेबर कॉस्टिंग कितनी जा रही है क्या जा रहा है वो सब कुछ देख सकते हैं इसके बी एम एस इंट्रीग्रेशन इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं वो एमईपी को वर्क होते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कितना इंटीग्रेशन हुआ है कौन कौन सी मशीनें लग गई हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या क्या सोल्यूशन हो सो चुके हैं नेक्स्ट बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट बिल्डिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट ये सब देख सकते हैं कि हम लोग क्या क्या कितना कितना मैनेज हुआ है अब इसको मैं एक वीडियो फॉर्म में दिखाने जा रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम लोग आ चुके हैं तो एक हम वीडियो देखेंगे फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे वीडियो से क्या होगा वीडियो से हमें पता चल जाएगा ओके व्हाट इज बीम तो हमें क्लियरेंस काफी अच्छी तरीके से हो जाएगा सो जस्ट वेट और मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं आप लोग देखिएगा ध्यान से मैं टू टाइम चलाऊंगा जिससे आप प्रॉपर समझ सके क्योंकि मैक्सिमम लोग तभी आ चुके हैं Déjanse de que gasoló. I will... I will... हाँ जी किसी किसी को ने कुछ बोला क्या? ओके आ, दिख तो रहा है ना सबको वीडियो में आवाज नहीं आ रही क्या? ओके सर वीडियो की आवाज आवाज के लिए आ क्या आ करना पड़ेगा इसमें यार ओके 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 लेट्स सी क्या कर सकते हैं आवाज के लिए वीडियो की आवाज कब आएगी हम्म

बाकी लोगों नहीं नहीं आ रहे, प्लीज ओके, वीडियो की आवाज नहीं आ करिएगा। की आवाज़ रही रही है, है ऐसा क्यों? ओके, नहीं आ रही है, किसी को भी। ठीक ओके, 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 कोई बात नहीं ये मैं वीडियो शेयर कर दूंगा ठीक है आ, ओके ओके नो इशू मैं ये वीडियो ही शेयर कर दूंगा ठीक है जस्ट आप लोग देख लीजिए इसको आ, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा सबको ये जस्ट एक बार वॉच कर लीजिए आप लोग ओके ओके नो इशू ये सही रहेगा मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में सबके पास पहुंच जाएगा जस्ट एक बार वॉच कर लीजिए बस ऐसे कोई बात नहीं मैं आपको ये सबको वीडियो शेयर कर दूंगा मुझे नहीं पता था कि इसका आवाज नहीं आएगा ओके okay, नोशोम और ये आपके मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा डोंट आपको मिल जाएगा सबको और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर सब जगह पे शेयर कर दूंगा ओके okay. ओके okay, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ओके okay, ठीक है समझ में आया सबको लगभग लगभग मैं उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करता हूँ उसमें ऐसा था कि टू से जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं

चलो बीम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं अभी हम लोग बीम में कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी हम लोग लेते हैं अभी हम लोग कहां तक के डेवलपमेंट में गए हैं ये कुछ इसी तरीके से है जैसे रिसर्च कितना रिसर्च हो चुका है तो देखिए आपका यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स सर्विस प्लानिंग एंड मॉडलिंग ये बिल्डिंग हम लोग लेते हैं सर्विस प्लानिंग मीन्स हम लोग जैसे एक रेसिडेंशियल में क्या हुआ हमने प्रॉपर बिल्डिंग कैसे बना के देंगे रो हाउसेस या फिर आपके किसी भी तरीके की रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो कैसे बना के देंगे वो हम लोग इसके अंदर काम करते हैं बीम प्रोजेक्ट वो भी है दूसरा बीम प्रोजेक्ट है सर्विस प्लानिंग सर्विस मतलब आपके पूरे बिल्डिंग में आपने बोला कि मुझे क्या बोलते हैं कूलिंग सिस्टम करवाना है तो कूलिंग सिस्टम का प्लान करके दे, दे दिया मैंने या फिर मान लो कि एक बढ़िया सा इंटीरियर करना है उसकी मॉडलिंग करनी है कैसा ऑफिस दिखेगा वो भी किसके अंदर आएगा बीम प्रोजेक्ट है वो भी क्लैश व्यू मॉडलिंग क्लैश व्यू मॉडलिंग क्या होता है ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर वट इज क्लैश व्यू मॉडलिंग ओके okay. प्लीज आप लोग जिसका भी वीडियो ऑफ है ऑफ नहीं है प्लीज ऑफ कर दीजिए किसी का तो ऑन है चैट आ रहा है हाँ जी ये किसका ऑन है नरेश नरेश आप वीडियो अपना ऑफ कर दीजिए प्लीज ओके आई थिंक हाँ आई थिंक मैंने कर दिया मे बी मेरे इंड पे हो गया ठीक है मेरे इंड पे हो गया

मान लीजिए यहाँ पर एक बीम है और फायर फाइटिंग की लाइन स्ट्रेट जाना चाह रही है अब क्या होगा कि बीम जब लगी है तो कैसे जाएगा स्ट्रेट तो आपको क्या करना पड़ेगा फायर फाइटिंग को नीचे मोल्ड करना पड़ेगा फिर ऐसे नीचे से जाएगी फिर ऊपर सेम इसी तरीके से डक्टिंग के लिए ऐसे ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे फिर ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे तो क्या होगा कि क्लैश न हो एक दूसरे से टकराए ना इसके लिए क्लैस व्यू मॉडलिंग करना पड़ता है नेक्स्ट स्ट्रक्चरल मॉडलिंग स्ट्रक्चरल मॉडलिंग आपको सबको पता है कि आ, अगर कॉलम डाल रहे कॉलम में कैसे टाइल्स लगेंगे बीम है तो बीम में कैसे लगेंगे नेक्स्ट ऑफिस स्पेस इंटीरियर्स ये भी बी मॉडल का ही प्रोजेक्ट है कॉमर्शियल इंटीरियर्स मीन कॉमर्शियल अगर किसी का इंटीरियर करना करनाशियल बिल्डिंग का तो वो कैसे करेंगे रेसिडेंशियल इंटीरियर्स रेसिडेंशियल बिल्डिंग का इंटीरियर रेसिडेंशियल एक्सटीरियर बिल्डिंग एक्सटीरियर बिल्डिंग का बाहर का व्यू ये सारे टाइप्स के प्रोजेक्ट क्या होते हैं ये आपके बीम के प्रोजेक्ट होते हैं सो so, आपको कोई भी इसमें से बीम ओपनिंग मार्केट में मिलती है आप समझ जाइए आप बीम इंजीनियर का काम का का कर रहे हैं किसका काम का कर रहे हैं बीम इंजीनियर का देखिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के कुछ आपको व्यूज देख लीजिए ये भी क्या है बीम के अंदर आ रहा है आपका सब रेबिट के अंदर ये काम हुआ आपका यहां पे क्या है तो इसके अंदर क्या क्या आता है थ्री डी विजुलाइजेशन प्रॉपर थ्री डी में कैसे दिखेगा बी क्यू बिल ऑफ क्वान्टिटी टेंडर्स कैसे इसका भरेंगे कैसे आपको टेंडर मिलेगा इसके डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब कुछ बीन के अंदर आता है आपका नेक्स्ट इस तरीके की बिल्डिंग अगर है तो इस तरीके की बिल्डिंग में आपको यहाँ पे देखना क्या पड़ रहा है एनर्जी भी देखना पड़ रहा है प्रॉपर

सर्विस प्लानिंग जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले भी कि आपको एमईपी का पूरा काम चाहिए पूरे टेंडर लेना है देखिए पे लगा हुआ है ये आ, पाइपिंग है डक्टिंग की डक्ट पाइपे है checking, है है क्लैश क्लैश पॉइंट पॉइंट चेकिंग चेकिंग पता कैसे होता है, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल दिखाता हूँ देखो यहाँ पर एक आपके पास ये देखो यहाँ पे आ रहा है एक बीम है ठीक है क्या है बीम है और ये आपका क्या जा रहा है ये जा रहा है ये आपका एक डक्टिंग का प्लॉट जा रहा है मतलब प्रॉपर डक्टिंग जा रही है अगर ये बीम यहाँ से यहां तक होता तो इजा पता क्या नहीं तो क्या हो जाता है एक क्लैश हो जाता तो ऐसी क्लैशिंग ना हो इसको चेक करना पड़ता है और उसके साथ हम लोग यहाँ पे ये देखिए आपका क्लास आ गया क्लास व्यू का अच्छा सा एग्जांपल आपके सामने है एक आपकी वायर जा रही है फायर फाइटिंग की ही जरूर होगी तो ये वायर क्या हो रहा है बीम है अब बीम में ड्रिल करोगे तो क्या होगा बीम का स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा तो ये क्लास व्यू चेक किया जाता है ये नवी स्वर्क सॉफ्टवेयर होता है उससे क्लैस व्यू को चेक करते हैं और ये देखो यहाँ पे भी क्लासिंग अब ये पाइप कैसे क्रॉस करेगी एक दूसरे को सोचिए अब ये सब चीजों की जब प्लानिंग करके नहीं रखोगे तो आप बहुत से जगहों पे ये प्रॉब्लम्स होती है तो अब ये देखिए ये पाइपिंग कैसे एडजस्ट हो रहा है तो ये एडजस्ट करने वाला काम करोगे या फिर फिनिशिंग भी उसे काम करोगे आपके ऊपर है अब देखो इनके बीच की हाइट इतना कम है कि कोई इसके नीचे से जाएगा तो उसके सिर टकराएगा ये क्या है ये सब प्लानिंग आपको करना पड़ता है इसके अंदर ये सब प्लानिंग इसके अंदर आपको करना पड़ता है नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रक्चरल मॉडलिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे प्लेट्स हो। तो होती है हमारी तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइस क्या बोलते हैं कॉलम स्प्लाइस तो ये कॉलम स्प्लाइस जो होता है ये किस तरीके से लगने वाला है जी ए ड्रॉइंग जनरल अरेजमेंट ड्रॉइंग बोलते हैं इसको जनरल अरेन्जमेंट ड्रॉइंग किस तरीके से जनरेट करोगे सॉफ्ट ड्राइंग, ड्राइंग किस तरीके से जनरेट करोगे स्टील के हम लोग अब देखो कितना हो रहा है कॉन्फ्रेंस रूम के लिए अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं अपना एक बड़ा स्कूल खोलने के लिए तो उसके लिए अगर हम लोग कॉन्फ्रेंस हॉल बनाएंगे या मीटिंग रूम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से अगर हम प्लानिंग कर लेंगे तो कितना अच्छा होगा ऑफिस के लिए इंटीरियर अगर इस तरीके से दे दें

मतलब फिफ्थ क्लास तक थे तो आपको इतनी चीजें विजुलाइज नहीं कर पाते थे आपको सिक्सटीन एग्जाम बोला जाता था आप कंफ्यूज हो जाते थे करेक्ट

बढ़ गया डायरेक्शन चेंज हो गया और आपने काफी बढ़ाया उसमें दिमाग फिर आपने कहा नहीं और स्टडी करना है तो आपने मास्टर डिग्री किया तो मे बी आप और डीप में समझ गए तो दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ डेवलपमेंट बढ़ रहा है और आपने अगर पीएचडी किया तो आपने लेवल ऑफ डेवलपमेंट का एक लेवल ले लिया तो वही चीज बीम के अंदर भी होता है 100, 200, 300, 400, 500 जितना डिटेलिंग्स में जाओगे अभी तक आपने सपोज आप एक घर बनाते हो तो आप अभी तक क्या करते हो आप एक प्लानिंग करते हो केवल क्या हो गया एक डेवलपमेंट है बट एक अच्छा इंजीनियर क्या करेगा प्लानिंग के साथ एलिवेशन देगा, लेवल ऑफ डेवलपमेंट बढ़ा दिया सामने वाला तैयार हो गया भाई कैसा घर दिखेगा एक उससे भी अच्छा इंजीनियर उसने एक रैबिट पे प्रॉपर मॉडल बना के दे दिया कि किस तरीके से दिखेगा लेवल ऑफ डेवलपमेंट आपका क्या हो गया और बढ़ गया एक उससे भी बड़ा इंजीनियर उसने क्या किया उसने कहा नहीं नहीं ये तो आप देते ही देते हैं मैं ये भी बता दूंगा स्टील लगेगा कैसे कहां पे लगाना है कहां पे किस तरीके से बार करना है ये लोड डिटेलिंग का एक लेवल और पार हो गया एक और उससे बड़ा इंजीनियर आपको सपोज मिला उसने कहा रूको मैं और अलग देता हूं क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है मैं ये भी दे दूंगा कि आपका घर बनने के बाद कैसे दिखेगा आपका बेड कहाँ पर लगा रहेगा सोफा कहाँ पर लगा रहेगा ईच एंड एवरी आर्टिचर पॉइंट ऑफ व्यू से चलो जी उसके बाद एक उससे भी महान इंसान लेवल ऑफ डेवलपमेंट उसका और तेज करने की कोशिश किया उसने कहा रुको मैं इसके साथ ये भी बता दूंगा कि जब तुम लेटोगे तो तुम्हें स्टैचू तुमका तुम्हारा बना के दिखा दूंगा क्योंकि तुम्हारे घर में अगर दस लोग होंगे तो भीड़ दिखेगी क्या किस तरीके से विजुलाइज होगा तो ये भी क्या हो गया लेवल ऑफ डेवलपमेंट को हमने और बढ़ा दिया और एक महानुभाव सपोज और थे उन्होंने कहा रुको मैं ये एक वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि आपका घर में कहा पे बेडरूम कैसा दिखेगा आपका इंटीरियर रूम कैसे लिविंग रूम कैसे किचन कैसे बाथरूम कैसे ये सब कुछ दिखा दूंगा तो क्या हो गया लेवल ऑफ डेवलपमेंट आपका और बढ़ गया अब आगे का जिम्मेदारी आपका है आप और सोचो और क्या डिटेल में दिखा सकते हो चलो मैं दिखाता हूं लेवल ऑफ डेवलपमेंट पहला हो गया प्री डिजाइनिंग जस्ट हमने डिजाइन कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे हम कुछ बनाने वाले हैं ये हमारे थॉट में चल रहा है तो क्या हो गया आपका ये प्री डिजाइनिंग हो गया नेक्स्ट है सिस्टेमेटिक डिजाइन थोड़ा सा आपने लेवल ऑफ डेवलपमेंट को और थोड़ा बढ़ाया कहा भाई हम थोड़ा और सिस्टेमेटिक करेंगे अच्छी बात है अभी कुछ भी साइट पे नहीं हो रहा है आप खुद से ही ले रहे हो तो जब एलओडी 100 लेवल ऑफ डेवलपमेंट 100 किसको बोलते हैं प्री डिजाइनिंग को सिस्टेमेटिक डिजाइन थोड़ा और डीप डिटेल में गए तो दैट इज कॉल्ड एलओडी 200 ओके okay. थोड़ा और डिटेल में गए तो आपने कहा हम प्रॉपर दिखा देंगे इसका मॉडल बना के डिजाइनिंग डेवलपमेंट कैसे होगा तो एल ओडी थ्री हंड्रेड आपके ऑफिस में और अच्छे अच्छे लोग हैं उन्होंने कहा रुको मैं सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ आपको बिल्डिंग बाय लॉ के अकॉर्डिंग बिल्डिंग तैयार करके दे दूंगा दैट इज योर एल ओडी एक और थे उन्होंने कहा रुको हम आपको एलओडी फोर हंड्रेड मतलब जिसको हम लोग 4D के नाम से आते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेज मतलब कब क्या बन जाएगा कब तक में आप कहां तक पहुंच जाओगे आपका कौन सा रूम किस महीने में तैयार हो जाएगा ये सब कुछ क्या हो गया LOD 400 और फिर लास्ट में आता है LOD 500 इसमें जिसमें आप स्टैचू लगा के दिखा देते हो कि आपका जो मीटिंग रूम आप मेरे से बनवाना चाह रहे हो उस मीटिंग रूम में लोग जब बैठेंगे तो कैसे दिखेगा इसके बाद होता है आपका कंस्ट्रक्शन तो ये एलओडी इसी तरीके से बढ़ता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट हर एक इंटरव्यू में 110 एंड परसेंट यह पूछा जाता है एलओडी फाइव हंड्रेड तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहिए इसके आगे भी लोग अभी जा रहे हैं एलओडी में बट अभी जो इंडिया में चल रहा है एलओडी फाइव तक हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहे हैं साइड पे आगे और भी बहुत सी चीजें आएंगी रिसर्च चल रहा है इससे बहुत ज्यादा मैक्सिमम पीएचडी अगर मैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एच पीएचडी ज्यादा हो रही है एलओडी को क्योंकि एलओडी आपका एलओडी हंड्रेड कॉन्सेप्ट है और इसमें हम लोग क्या करते हैं जस्ट थ्री मॉडल टू रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन ऑन बेसिक लेवल एक बेसिक लेवल पे एक मॉडल बना लिया उसका एरिया हाइट वॉल्यूम लोकेशन ओरिएंटेशन इतना डिफाइन कर देना थोड़ा सा और आप लेवल बढ़ाना चाहते हैं आपका क्लाइंट थोड़ा और अच्छा है तो आप सिस्टमेटिक डिजाइन कर दो उसके अंदर जनरल मॉडल वेयर एलिमेंट्स आर मॉडल्ड विथ अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज क्या क्वांटिटी लगने वाली है साइज लोकेशन ओरिएंटेशन तो आपने और डिटेल में किया तो उसको क्या बोलेंगे एलओडी टू हंड्रेड नेक्स्ट एल ओडी थ्री हंड्रेड डिटेल डिजाइन जो मैं आपको बताया था अभी की एक्यूरेट मॉडल्स एंड सॉफ्ट ड्राइंग कैसा बनने वाला है योर सॉफ्ट ड्राइंग वेयर एलिमेंट्स आर डिफाइंड विध स्पेसिफिक साइज लोकेशन ओरिएंटेशन, ये सब कुछ दिखा दिया तो अगर आप बीम के ऑफिस में जाओगे तो सीधे वो बोलेंगे मुझे एलओडी थ्री हंड्रेड तक के डिटेलिंग चाहिए पूरे आपके कंपनी के थ्रू कितना चार्ज करोगे तो आप चार्ज कर सकते हो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन इट इंक्लूड मॉडल डिटेल एंड एलिमेंट

मतलब कितने लोग हैं उसमें ओरिएंटेशन ये सब कुछ दिखा दें इसको बोलते हैं एल 400 तो ये आपका एल का लो सॉरी 500 जो कि लास्ट स्टेज होता है एल का आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल मैंने सेट किया हुआ है एलओडी का तो यहाँ पे देखिए एलओडी जीरो जिसमें आपको जस्ट एक प्लान दिखा दिया आपने की भाई ऐसे बनने वाला है आपका क्लाइंट थोड़ा सा और अच्छा आपको मतलब कि लक्ष्मी का दर्शन कराता है तो आपने कहा कि एलओडी 200 तक मैं डिटेलिंग दे देता हूं आपका क्लाइंट और अच्छा है आपने थोड़ा और अच्छे से मॉडल बना के दे दिया उसको और आपका क्लाइंट बहुत अच्छा है तो आपने प्रॉपर सोलर पैनल लगा के कैलकुलेट करके बता दिया कि आपके घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी आएगी और कितना आपको बाहर से लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट के थ्रू ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे ये देखिए यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर हो सकता है मैंने कोशिश किया है टू तो सबको पता है सो मैंने टू इंक्लूड नहीं किया ऑटो ऑटोकेट हमसे सीखा ही है या फिर कहीं ना कहीं सीखा होगा तो यहाँ पे थ्री सेफ होता है जितने लोग भी आ गए हैं कृपया यहाँ से आप जाएंगे नहीं ठीक है अगर आप जाते हैं तो फिर मजा नहीं आएगा और मैं बहुत डीप में जाने की कोशिश कर रहा हूँ सो आप लोग साथ दीजिएगा और जितने लोग नहीं आए हो सके तो उनको शेयर कर दीजिए वीडियो तो और मजा रहेगा थैंक यू रहेगा उसके मेरे तरफ से थ्री डी सेफ थ्री में क्या करते हैं हम लोग जस्ट थ्री डी सेफ क्रिएट करते हैं 4D में क्या करते हैं हम लोग शेड्यूलिंग करते हैं प्रॉपर कि कब कैसा कितना बन जाएगा कब कैसा कितना बन जाएगा इसको शेड्यूल करते हैं मतलब आज मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया अगस्त में तो सितंबर uh, में कितना अक्टूबर में कितना बन जाएगा टाइम के साथ आपने देखा होगा बहुत से वीडियोस देखे होंगे आपने ऐसे पहले फुटिंग आया फिर कॉलम आया फिर बीम आया फिर स्लैब आया तो क्या होता है वो टाइम के साथ एनिमेट होता है दैट इज योर फोर्डी तो उसको हम लोग नेविस वर्क से करते हैं इसके लिए हम लोग रेबिट यूज करते हैं और गूगल स्केचअप यूज करते हैं और ये होता है आपका फाइव डी में क्या होता है फाइव में हम लोग ये भी नेमिश्वर सॉफ्टवेयर से ही होता है

उतने लोग लोग अब देखो डिटेलिंग ऐसे नहीं होती बहुत लेवल पे जाना पड़ता है जितने लोग हो उनके अंदर से कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ओके इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो इसके लिए कितना ज्यादा हमें क्या बोलते हैं ऑक्सीजन की जरूरत होगी प्योर ऑक्सीजन की क्या हम उतना ट्रीज के ऊगर से ट्रीज से निकाल रहे हैं या फिर वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी वो भी हमें देखना है इलेक्ट्रिसिटी की कितनी रिक्वायरमेंट है वो भी हमें देखना है अगर हमारे पास कॉमन ए है तो क्या कूलिंग हम दे पाएंगे क्या प्रॉपर तो उसको भी है सस्टेन करना होता है और लास्ट में होता है सेवन डी सेवन डी के अंदर हम लोग फैकल्टी मैनेजमेंट देखते हैं प्रॉपर क्या आपका सनलाइट पर्याप्त आ रहा है सनलाइट आ रहा है ओके ये सेवन के अंदर जो कि आपका जो मैनेजर होगा जो आपका हेड होगा प्रोजेक्ट का वो चेक करता है इसके अंदर क्या आपका जो स्टील परसेंटेज आ रहा है सब प्रॉपर है ओके क्या आपने जो सब कुछ स्टील वगैरह प्रोवाइड किया है वो क्या एस पर स्टैंडर्ड्स है क्या आपने एफ एस आई फ्लोर स्पेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग uh, आपने पूरी बिल्डिंग की प्लानिंग की है कि नहीं की है फ्रंट पे कितना जगह छोड़ना था क्या आपने उसमें चोरी तो नहीं की है ड्राइंग ड्राइंग वर्किंग में डिफरेंस तो कुछ नहीं किया है रेरा के रूल्स को फॉलो किया है कि नहीं किया है ये सबको सेवन डी के अंदर आता है चलिए इसको थोड़ा सा मैं मैं वैसे तो आपको ये मैं देने वाला हूँ पीपीटी सो तो ज्यादा टेंशन नहीं है और यहाँ पे वैसे मैं आपको बता दू ये बीम थ्री में क्या करते हैं हम लोग मॉडल बनाते हैं फोर में क्या करते हैं टाइम के बारे में आप पढ़ लीजिएगा वैसे मैंने बता दिया आपको टाइम के अकॉर्डिंग वॉक थ्रू बनाते हैं फाइव में हम लो लोग कॉस्टिंग करते हैं तो जो हम लोग सीखने वाले हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक का सीखने वाले हैं 3D, 4D और 5D तक का सीखने वाले हैं 6D आप जब ऑन साइड जब जाते हो तब वहां पे आपको पता चलता है कि एनर्जी एट डिजाइन स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट ये थोड़ा सा आपका हाई लेवल पे जाता है सिखाने को मैं सिखा सकता हूँ आपको क्योंकि मैंने काम किया है 6D पे और क्या बोलते हैं द ले आउट कैन बी अकॉर्डिंग टू द मिनिमाइज एनर्जी एंड अचीव द बिल्डिंग्स बट इस पे एज अ फ्रेशर आपको जॉब नहीं मिलेगी 60 पे या 70 पे भी नहीं मिलेगी क्यों ये उनके लिए है जो ऑलरेडी uh, सात साल आठ साल से काम कर रहे हैं बीम पे तो वो चेक करते हैं प्रॉपर और ये फ्रेशर लेवल की जॉब होती है जिसमें सबसे ज्यादा इस पे जॉब मिलेगी फिर आप थोड़े से और एक साल के एक्सपीरियंस पे आपको इस पे जॉब मिलेगी नेक्स्ट चलते हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया हमने टू डी एंड थ्री डी कन्वर्सेशन मतलब कर सकते हैं थ्री डी साथ भी इसके तुरंत क्रिएट कर सकते हैं तो मतलब ऑटोमेटिक थ्री क्रिएट हो जाता है इसमें तो रेबिट के अंदर 2D और 3D दोनों काम हो जाता है तो आपको ऑटो कैट की भी जरूरत नहीं पड़ती है प्रॉपर टेक्सटिंग भी कर सकते हो सब कुछ हो जाता है 2D इसके अंदर बाकी आपका मन है तो आप ऑटो कैट पे भी टू डी ड्रॉइंग निकाल सकते हो उसका सेक्शन प्लान निकाल सकते हो इस तरीके से ये भी अच्छा है और उसके बाद आप रेबिट की मॉडलिंग कर सकते हो रेबिट पे देखो इस तरीके से प्रॉपर मॉडल कर पाओगे आप अच्छे तरीके से और उसके बाद टू से थ्री देखो कैसे कन्वर्ट होता है आप चाहो तो इस प्लान को आप रेबिट में इम्पोर्ट कर लो फिर वॉल ऐसे बना देते हैं फटाफट बहुत इजी स्टेप्स हैं जिससे हम लोग वॉल डोर विंडो सब कुछ लगा सकते हैं कॉलम वगैरह नेक्स्ट ये होता है 4D और ये होता है 5D जिसमें हम लोग यहाँ पे दिखाते क्या है यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं ये उल्ट, उल्टा जस्ट खोल दिया हमने तो हमारा हमारा क्या है है टाइम के साथ कितना कॉस्ट बन रहा है हमारा? वो हमें सिमुलेट करके दिखाना पड़ता है एक तरीके से वॉक थ्रू बनता है टाइम के साथ कितना हो जाएगा काम टाइम के साथ कितना कॉस्टिंग इंक्रीज होता जाएगा और कितना काम होता जाएगा उसका सीट मेंटेन होता है इसके अंदर ये दोनों काम के अंदर आप कर सकते हो फोर और फाइव डी का जिसके अंदर हम लोग सब कुछ समझ सकते हैं इतना कुछ इंट्रोडक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट था जो कि इसमें है अब जो हम लोग सिखाने वाले हैं आपको वो क्या है वो थोड़ा सा उसको भी हम लोग देखेंगे और क्या क्या आपको सीखना चाहिए अगर आपने सीखा है रेविड सीखा है तो आपको देखना चाहिए कि क्या मुझे इतनी चीज आती है तो वो भी आप समझिए इसमें जो हम लोगों ने यहाँ पे सिलेबस डिजाइन किया हुआ है हम लोगों मतलब मैंने ही किया हुआ है तो उसमें क्या क्या इन्वेल्व किया हमने उसको आप लोग देख लीजिए यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले फोकस किया है ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने में तो बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग ये मैं आपको शेयर कर दूंगा सो तो मैं डायरेक्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ हम लोग यहाँ पे ये यह देखिए आपके पास होता है एक्चुअल में देखिए कैसे बिल्डिंग बनता है इसी पे हम लोग को काम करना है तो देखिए सबसे पहले क्या होती है प्रोग्रामिंग होती है एक जनरल कौन, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आप बनाते हो ठीक है कि कुछ इस तरीके से आपका आ, जैसे स्कूल बनाना है आपको तो स्कूल बनाने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप लोग देखते हो मेन इंपॉर्टेंट वो चीजें हैं कितने बाथरूम कितने क्लासरूम कितने सब कुछ नेक्स्ट हम लोग का चलता है कॉन्सेप्ट डिजाइन जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट को हम लोग रेबिट पे बना सकते हैं नेक्स्ट डिटेल ड्राइंग जिसके अंदर रेबिट आर्किटेक्चर आर्टिटेक्चर जगह पे रेबिट स्ट्रक्चर यूज करते हैं प्रॉपर डिटेल निकालते हैं फिर उसके बाद एनालिसिस के लिए स्टैड या e कोई भी एक स्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर सीखते हैं और उस पर हम लोग क्या करते हैं एनालिसिस कर लेते हैं कि फेल करेगा कि पास करेगा अगर डन हो गया तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद अगर वो स्टील तो उसका फैब्रिकेशन के लिए उसको भेजते हैं साथ ही साथ उसके बाद हम लोग यहाँ पे 4D और 5D कंस्ट्रक्शन के लिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होने वाला है टाइम के साथ कितना बन जाएगा टाइम के साथ कितना पैसा लगेगा तो ये इसके अंदर में आता है सब कुछ और इसके बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस देखा जाता है इसके लिए लिफ्ट को कितने टाइम पे रिपेयर करना है ये सब कुछ इसके अंदर आएगा हम यहाँ तक के लिए है इसके आगे आपको बाद में रिक्वायरमेंट पड़ेगी ऑपरेशन के लिए और डिमोडिलेशन कर रहे हो तोड़ना पड़ रहा है अपनी बिल्डिंग को तो किस तरीके से तोड़ोगे उसके क्या रूल्स लगाओगे ये भी आपको आगे सीखना पड़ेगा के अंदर और उसके बाद रिनोवेशन तो कैसे करोंगे? फिर आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट से आपका प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस कॉस्ट कॉस्ट को क्यों रिड्यूस कर पाते है? क्योंकि कर कर हैं क्योंकि पहले से हम प्लानिंग करके रखते हैं डिक्रीज रिवर्क बार बार पता चला एक पाइप लगाया वो पाइप सही से सुटेबल नहीं था आपने फिर से थोड़ा पाइप को फिर से लगाया पाइप को इससे बेटर है कि uh, क्या बोलते हैं आप uh, इस तरीके से कर लो कि रिड्यूस कर दो रिवर कर दो इसको इसके बाद इनहेंस uh, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कस्टमर को भी ना एक्यूरेसी बहुत पसंद आती है इनका जो काम है बड़ा प्रोफेशनल लेवल पे है जब इस तरीके से होता है तो कस्टमर आप पे अट्रैक्ट होता है एक साइड के बाद दूसरी साइड आपको अपने आप रिफर कर देता है तो हमारी कोशिश वही रहती है इनेबल्स इजी कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टिसोल्यूशन इतना ईजी कर दो कि बहुत इजिली बन जाए वो हेल्प शेड्यूल एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस प्रॉपर किस तरीके से हो पाए उसको भी आप देख कर सकते हो इसके अंदर अलाउ इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड बेटर मैनेजमेंट कर सकते हो उसमें हम कर सकते हैं इसके अंदर और स्नेपशॉट लगा सकते हैं कि इतना इसमें हुआ है रिपेयर री इनोवेशन ये सब कुछ कर सकते हो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई आपका लिफ्ट खराब हुआ तो हम हैं और डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो कि आपको कुछ भी फ्रॉड में नहीं होगा हम लोग सब सिस्टमेटिक करने वाले हैं नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने जो ऐड किया हुआ है वो एक्चुअली हम लोग ने यहाँ पे जो अपने कोर्स कंटेंट में एड किया हुआ रेबिट आर्टिटेक्चर ऐड किया हुआ है रेबिट स्ट्रक्चर ऐड किया हुआ है रेबिट एम ईपी किया हुआ है और नेविस वर्क यूज किया है और गूगल स्केचअप ऐड किया हुआ है गूगल स्केचअप मेरे तरफ से एज अ गिफ्ट है उसका कुछ भी चार्ज नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट है वो और क्या बोलते हैं ये चारों सॉफ्टवेयर आपके जो की पेड है इसमें जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंक्लूडेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या क्या हम लोग ऐड करने वाले हैं बीम के कॉन्सेप्ट सबसे मेरा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा ये सॉफ्टवेयर तो बाद में स्टार्ट करूंगा पहले हम थोड़े से बीम के बारे में समझेंगे बीम की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं कैसे कंपनीज को क्या क्या चाहिए होती है इसके लिए वो सब कुछ आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा पहले बीम कॉन्सेप्ट्स फिर ड्राइंग कॉन्सेप्ट जब ड्रॉइंग बनाते हैं तो कैसे बिल्डिंग रेरा के बारे में सोचते हैं कैसे बिल्डिंग बाई लॉ के बारे में सोचते हैं कैसे वास्तु साइंस के बारे में सोचते हैं ये सब कुछ देखेंगे कौन कौन से आई कोड बताते हैं कि हमें कितना साइज रखना चाहिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्योंकि इस आई कोड का ये मीन इसका ये है उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे बी कि बीएमसी के लिए क्या क्या आपको चीजें लगने वाली हैं वो हम लोग देखेंगे रेरा के रूल्स देखने वाले हैं कि रेरा के रूल्स क्या क्या होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के बारे में देखेंगे कौन कौन रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बारे में समझेंगे और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स जैसे हम लोग लेते हैं क्लास उस तरीके से रहेगा सिलेबस से मैं आपको सब कुछ शेयर कर दूंगा आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से और इसका ये बीम यूजिंग नेविस वर्क बी स्ट्रक्चर सब कुछ है ये थोड़ा सा मैंने अपने बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है सो वैसे तो आप मुझे जानते ही हो और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से है कि क्या क्या हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ये सब कुछ है यहाँ पे और यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है ठीक है सब कुछ आप देख लीजिएगा जो भी है अब आपके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन है रिगार्डिंग रेविड

और उसके बाद नेविस मतलब दिया मैंने बट अगर सब ने एक साथ लिया है, फ्री भी मिलता है। में कोई भी नहीं का। और साथ ही साथ ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट फ्री रहेंगे तो ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट था जो हमने बनाया आपके लिए बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे बताइए तो हमने फाइनली इसको बनाया मंडे से इसका बैच स्टार्ट कर रहे हैं मंडे मीन्स नेक्स्ट मंडे अब आपको बीम से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आपको माइंड में आते हैं आपको क्लियर नहीं होते हैं एक एक लोग अपने माइक को ऑन करके या फिर चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं मेरे से चैट बॉक्स में आप क्वेश्चंस डाल दीजिए या फिर आप माइक ओपन करके कि सर मुझे इसके बारे में डाउट है या फिर ऐसा कुछ डाउट है कुछ भी आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये मेरा डाउट है ओके okay. एक डाउट आया हुआ है ओके अनस का यस अनस यस अनस आप बोल सकते हैं अनस आप बोल सकते हैं जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है हाँ हाँ बोलो सर, हाँ सर हाँ, एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन था मैंने ये बीम का है ना एक्चुअली प्रोजेक्ट ले लिया हाँ, मैंने कॉलेज में, में फोर्थ ईयर में ओके ओके हाँ सो मुझे क्वेश्चन था कि बीम है हम लोग का केस स्टडी प्रोजेक्ट है तो इंडिया हाँ, में कौन सा टॉप प्रोजेक्ट है जो बीम से लेके बना है मतलब बीम के कॉन्सेप्ट को लेके बनाए जो बहुत ही रिनाउंड अच्छा मतलब हाँ 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 कि आपको ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चाहिए जो कि इंडिया में बन रहा है और हाँ, क्या बोलते हैं बन चुका है और उसी पर पर केस स्टडी में आपको बोलूँ तो नोएडा में बहुत सी बिल्डिंग्स हैं एक गोदरेज बना रहा है इसे हाँ, में हाँ, में कश्मीर वहां पे लेह लद्दाख में एक वो बना रहा है गोदरेज बना रहा है अपना एक कंपनी लेह लद्दाख में गोदरेज बना रहा है ठीक है तो एक तो आप उसको कर सकते हो दूसरा जो मैं जो बिल नोन है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको दूसरा जो okay. है वो है पुणे पुणे में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्योंकि सिंगापुर की हाँ सिंग, हाँ. सिंग, सिंग, कॉपी है वो ठीक है तो उसपे आप करोगे हाँ. तो हाँ तो, सिंगापुर की कॉपी है तो उसपे करोगे तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा उसके right. अलावा एक, हाँ एक बिल्डिंग यहाँ पर है मुंबई में है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है मैं आपको मैं ग्रुप बना दे रहा हूँ आप सबका उसमें नाम बता दूंगा आपको उसको कर सकते हैं वो भी अच्छा रहेगा एक जॉनसन कंट्रोल है जॉनसन्स कंट्रोल पूरा काम इस पे करता है तो कंट्रोल पे आप कर सकते हैं वो भी काफी अच्छा रहेगा आपके लिए और क्या बोलते हैं कंपनीज तो बहुत से हैं बट ये वेल well नोन है जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में तो मेरा ही एक स्टूडेंट काम किया है तो थोड़ा सा मुझसे उसके बारे में ज्यादा अच्छे से पता है ओके okay, यहाँ पे कुछ तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है पुणे का वो बन चुका है कम्पलीट

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बीम को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं करेक्ट ठीक है ओके uh, okay. मैं पहले तो उसे पहले आप सब में जितने लोग अपना ये कंटेंट स्टडी कंटेंट या वीडियो चाहिए आपको मैंने चैट बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा अब इनका क्वेश्चन कैंसर करता हूं मैं तो देखो यार ऐसा होता है कि uh, आपका जैसे कि प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको समझना पड़ेगा होता क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको हर एक काम को टाई अप करके सही समय 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 सही सही पर पर लेना लेना पड़ता है है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हर काम को सही समय लेना होता अब होता क्या है कि आपका आर्टिटेक्चर वाला वर्क स्ट्रक्चर वाला वर्क और क्या बोलते हैं एम वाला वर्क तीन तीन वर्क है आपके पास अब तीनों वर्क के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एक दूसरे से कैलुलेट करना पड़ता है एक इंजीनियर आपके बीच में से जाएगा जिसको आर्टिचर का भी अच्छा नॉलेज है स्ट्रक्चर का भी अच्छा नॉलेज है और एम का भी अच्छा नॉलेज है तो वहां पे बीम मैनेजर नाम से उसकी पोस्ट होती है उसका नाम होता है बीम मैनेजर तो बीम मैनेजर क्या करता है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करता है ये प्रॉपर देखता है कि आर्टेचर वाले ने सही से किया है क्या स्ट्रक्चर वाले ने सही से किया है क्या वाले सही से किया है कि कि नहीं प्रॉपर प्लानिंग करता करता है उनसे करता है उनसे कि डिस्कस आप कितने टाइम में कंप्लीट प्रोजेक्ट को करके दे पाओगे तो इसके लिए यहाँ पे बीम मैनेजर उसकी जरूरत पड़ती है इस तरीके से इसका यूज में आता है पूछे ना आ, सर इसमें इसको हम, इसको हम इसको हम रेबिट और नेवी स्वर्ट से कोरिलेट कर सकते हैं आ, कर सकते हैं नेवी स्वर्ट से कर सकते हैं बट आ, अगर आपने नहीं सीखा है प्राइमेरा तो मैं बोलूंगा मत सीखना अभी रीजन बताऊं आपको प्राइमेरा जो होता है ये सॉफ्टवेयर है जो इंसान साइट पे थोड़ा काम किया है उसके लिए ज्यादा वेस्ट सॉफ्टवेयर है तो उसी को बेनिफिट ज्यादा मिलता है एज अ फ्रेशर आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत कम आपको आप उसमें प्रॉफिट मिलेगा रीजन क्या होता है आपको आइडिया ही नहीं कि एक लेबर कितने दिन में एक दिन में कितना काम करने वाला है एक ये कितना काम तो उसमें आप ना बहुत फंस जाओगे तो अभी आपके लिए अगर सीख लिया तो वेल एंड गुड नहीं सीखा तो बाद में सीखना कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद ठीक है चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे लक्ष्मीकांत का आ, सब का क्वेश्चन डोंट वरी पहले जिसका मैं चैट बॉक्स को बोल देता हूँ तो यहाँ पे लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है कि सर एक्चुअली मुझे ट्यूटोरियल चाहिए आपका कमेंट में कभ, आ, कई बार पूछा था रिप्लाई नहीं मिला ओ सॉरी यार एक्चुअली लक्ष्मीकांत और सबको मैं यही बोलना चाहूंगा कि मेरा थोड़ा सा शेड्यूल जो रहता है हैटिक रह जाता है मैं जॉब करके आता हूँ उसके बाद मैं थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी हूँ

तो आप जा जा सकते सकते हो हो कोई भी problem नहीं जाएगी और as a जा सकते हूं, but आपका तो पोर्टफोलियो बताने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाते हैं तो uh, क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के लिए आप क्या बोलते हैं अगर बनाया आपने तो एज अ फ्रेशर नहीं दिखेगा वो दिखेगा as a six month experience या एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा ना डिफरेंट हो जाता है तो उसमें आपका थोड़ा अच्छा रहेगा तो अगर इस लेवल पे आप जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपका हो जाएगा आराम से हो जाएगा अगर आप अच्छे तरीके से तो आई एम स्किल्ड इन वेरी गुड तो अगर आप स्किल हो अगर आपको मधु के बारे में पता है तो आप अप्लाई कर सकते हो इसलिए इवन अभी एक दो कंपनियां भी है जो मैं आपको बता दू जिसमें ओपनिंग चल रही है एक कंपनी है जिसमें ओपनिंग वीम की चल रही है क्या नाम है उसका I think एक बार में चेक कर लेना उसमें रहेगा uh, और uh, कैसे uh, आप सबको मिलेगा सर्टिफिकेट लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्यू टू कोरोना मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो मेरे सीए ने बोला कि सर थोड़ा मुझे टाइम दीजिए और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आता है उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा सारंग

रेबिट एम में जॉब फाइंड करने के लिए आपको आ, तो आप की सेंस चाहे आप पर सर्च कर रहे हो या फिर आपको की याद रखना की उसमें कि आप किस लिए सर्च करो आप एचपीएससी आपको पता है तो एचपीएससी के बारे में डालो कि मुझे एचपीएससी आता है तो एचपीएससी तो की ओपनिंग देखोगे रेबिट एम की ओपनिंग किस स्किल से डालोगे तो रेबिट एम का जॉब है रेबिट एम ईपी का जॉब पे इफेक्ट नहीं गया है रीजन ये कि क्योंकि ये तो जिसका ऑफिस बना हुआ है वो भी करवाता है तो इसमें आपका अभी भी जॉब है आप थोड़ा सा सर्च करो एज अ फ्रेशर आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगा अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है तो एज अ फ्रेशर रेविट आर्किटेक्चर पे जाओ फिर एम पे जाओगे तो हो जाएगा अगर आप मैकेनिकल से हो तो आप अप्लाई करो आपको हो जाएगा मैकेनिकल वालों को हायर कर लेते हैं एज अ फ्रेशर एक कंपनी है नील सॉफ्ट करके नील सॉफ्ट पाटिल आप नाम लिख लीजिएगा

लेवल पे जॉब मिल जाएगी तो डेफिनेटली है पंद्रह से बीस हजार है कि जो पे पूछा जाता है वो सब कुछ मैं कवर कर दूंगा रीजन ये है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है वहाँ पे पूछते क्या है मतलब बीम की कंपनियों में क्या पूछते हैं मैंने खुद भी इंटरव्यू दिया मैंने आपको अभी दिन पहले बोला भी था कि मेरा जॉनसन कंट्रोल में सिलेक्शन हुआ था बहुत बड़ी कंपनी है आप लोगों को पता होगा टर्न ओवर है उनका तो इस लेवल की कंपनी में मैंने खुद सिलेक्शन लिया है सो मुझे अच्छे से पता है क्या चाहिए होगा मैंने जॉब नहीं किया कंटिन्यू भी फिलहाल लेकिन क्योंकि मुझे दूसरी जगह करना था और लेकिन हो जाता है और यहाँ पे मधु का क्वेश्चन एक और है कि जॉब के वैकेंसी कब आएंगी थोड़ा टाइम लगेगा मधु इसमें ओके जॉब कैसे फाइंड करें बीम में बीम के लिए आप लिंक्डइन जॉब सर्च का एक ऐप आता है प्लीज उसको डाउनलोड करो उसमें अच्छे से आपको थोड़ी सी क्लियरेंस ज्यादा मिलेंगी और अक्सर का क्वेश्चन है सर बीम के लिए टेकला सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं क्या हां जी टेकला सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं टेकला का भी काम है डिटेलिंग और रेविड स्ट्रक्चर का भी काम है तो आप चाहे टेकला यूज कर लो चाहे रेविड स्ट्रक्चर यूज कर लो अग दोनों काम एक ही करते हैं टेकला थोड़ा हाई लेवल पर चला जाता है स्ट्रक्चर लेवल के लिए अच्छा होता है वट इज द कॉस्ट ऑफ द कोर्स कॉस्ट ऑफ द कोर्स अगर आप अलग अलग सॉफ्टवेयर सीखोगे तो उसके लिए सिक्सटीन थाउजेंड हमने प्राइस रखा हुआ है पहले ज्यादा का कुछ था बट हमने कम कर दिया लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं अगर एक साथ करते हो तो ओनली ट्वेल्व थाउजेंड कितना बारह में एक साथ हो जाएगा आपका मैंने इस कोर्स में चौबीस अगस्त यस चौबीस अगस्त सरंग ओके टाइमिंग क्या होगा हाँ यार टाइमिंग अच्छा तुमने याद दिलाया टाइमिंग हमारा होगा सेवन थर्टी टू नाइन सेवन थर्टी टू नाइन डेढ़ घंटे की हमारी क्लास होगी सेवन थर्टी टू नाइन ओके पाटिल ने क्वेश्चन पूछा है कि के लिए फाइन कैसे है। मैं उसी कोर्स में और, और सबका सब क्वेश्चन ने ने पुछ ने मिलेगी तो मैंने पे एक चैट बॉक्स चैट के लिंक भेजा हुआ है आप उसपे क्लिक करके पीडीएफ ज्वाइन पा सकते हो रोहन का क्वेश्चन है इज बीम बीम इज सॉफ्टवेयर लाइक रेबिट आर्टिस्टर स्ट्रक्चर एमईपी अंडर कम बीम करेक्ट

राकेश जी ने पूछा है कि सर फ्रेसर हूँ स्टैट प्रो सीखना है सही रहेगा क्या मैं आपको डिजाइनिंग कर सकता हाँ अगर आप स्ट्रक्चर में जाना चाह रहे हो और अगर आप फ्रेसर हो राकेश तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए स्टैट प्रो के लिए स्टैट प्रो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा Uh, सीख, हाँ, अगर आप स्ट्रक्चर के लिए सीखना चाहते हो राकेश तो आप मेरे से व्हाट्सएप कर लेना आपके आपके लिए लिए बेटर रहेगा वैसे मैं आपको बता जो मुझे आपके लिए लग रहा है स्ट्रक्चरल वाले बीम में जा सकते हैं हाँ जी बीम में जा सकते हैं बीम मींस क्या? बीम क्या के बट प्लीज कॉल मत करिएगा क्योंकि कॉल मैं नहीं उठा पाता हूँ जनरली व्हाट्सएप कर लीजिएगा मैं कॉल कर दूंगा अगर इम्पोर्टेंट तो, तो. है तो मतलब कर uh, करना है जी प्लस एट आयुष मुझे कल कॉल करो यार uh, नौ साढ़े साढ़े नौ तक तो कॉल करो मुझे तो मेरे लिए बेटर रहेगा सा, नहीं साढ़े नहीं साढ़े नौ पे तो पंगा होगा मेरे साथ uh, तुम कॉल करो मुझे एक बजे एक बजे कॉल करोगे आयुष तो एक बजे हो जाएगा साढ़े नौ बजे में थोड़ा बिजी हूँ एक बजे मुझे कॉल कर लेना आप और मोहित ने क्वेश्चन पूछा कि सर स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है है और इसके इसके यूज स्ट्रक्चर के अंदर मोहित पूरा डिटेलिंग करते हैं किस तरीके से टाइल्स लगाएंगे किस तरीके से उसके अंदर हम लोग टाइल्स लगा के स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे मिनिमम स्पेसिंग मैक्सिमम स्पेसिंग किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे कितना स्टील आएगा उसका बीवीएस बार बेंडिंग शेड्यूल बीओ क्यूब बिल ऑफ क्वान्टिटी ये सब कुछ निकालते हैं इसके अंदर हाँ जी पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे सो जन्न ने बोला है कल एक बजे तक कर लेना प्लीज आज नहीं आज तो मेरे क्लासेस हैं दूसरे exactly text, uh, uh, way, ठीक है सिया फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना डियर और क्या बोलते हैं मैं व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ तो मैं आपको अलग से ही बता देता हूँ तो, तो बेटर रहेगा शुभम ने बोला है कि सर ऑटो में ऑटोकेट थी सीखने के लिए बाद आ, काम स्टार्ट कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो सब तो सीख लिया तुमने अगर इतना सीख लिया तो आप डेफिनेटली काम कर सकते हो मुकेश ने बोला है बायो में आ, आ, के लिए आइस कोड मतलब नहीं होता है आई कोट होता है बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स के लिए वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सर स्ट्रक्चर स्टील स्ट्रक्चर एंड बीम में डिफरेंट बीम स्ट्रक्चर का सॉरी बीम के अंदर स्ट्रक्चर एक पार्ट है बीम के अंदर सारा कुछ आ जाता है उसमें से स्ट्रक्चर एक केवल पार्ट है स्ट्रक्चर आर्टिक्चर, एम तो एक पार्ट हो गया आपका स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रशांत और सर रिपीट अगर अगर एक बार करें तो ट्वेल्व थाउजेंड में होगा पूरा कोर्स करेक्ट दर्नियाल ने क्वेश्चन पूछा कि सर कैन बी डू द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी इफ यू डेफिनेटली इवन अच्छा रहेगा कि आपके प्रोजेक्ट के लिए हम लोग भी नई नई चीज सीखेंगे कुछ नया रिसर्च करेंगे आप इसी में कर लेना साथ में आकाश ने बोला सर प्लानिंग इंजीनियर की जॉब कैसे रहेगी बहुत बेहतरीन रहेगी कोई भी जॉब बुरी नहीं होती यार एक्चुअली सब डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है सर आई ईयर एक्सपीरियंस अगर ईयर एक्सपीरियंस है आकाश तो डेफिनेटली आपके लिए प्लानिंग इंजीनियर अच्छा है कितना फुल कोर्स का

ज्यादा डिग्री में मत फंसो मुझे तो यही मैं आपको बोलूंगा जितना टाइम आप वहां लगाओगे इतना यहां पर लगाओगे तो आप बन सकते हो ओके okay. और डिटेलिंग तो हम आरसीडीसी में भी कर सकते हैं तो हाँ आरसीडीसी में डिटेलिंग कर सकते हो हम बट उसका प्रॉपर थ्री डी विजुअलाइजेशन थ्री डी डिटेलिंग के लिए चेतन हम लोग यूज करते हैं रेबिट स्ट्रक्चर को डिटेलिंग और जो आरसीडीसी करता है वो टू डी में करता है वो देख सकते हो फ्रंट से कैसा दिखेगा थ्रीडी में नहीं देख सकते उसको कैसे होगा प्रो का बैच स्टार्ट होगा प्रो का स्टार्ट होगा आपका क्या बोलते हैं शायद नेक्स्ट वीक में ही तो ये थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है में कितनी सैलरी होगी में का example, मैं खुद का दे देता हूँ सेवेंटी प्लस रहेगी आपकी सैलरी सेवेंटी प्लस आपकी सैलरी रहेगी बी में, में मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है फिर भी मैं बता दिया आपको सेवेंटी प्लस आपको आराम से मिल जाएगी कुनाल। तो क्या बोलते हैं सैलरी आराम से साइड पे जॉब नहीं इतनी सैलरी कभी नहीं मिल सकती है सर मैं आपसे स्टैट प्रो सीख रहा हूँ तो क्या मुझे रेवि स्ट्रक्चर सीखना चाहता हूँ कर सकते हो मोहित सीख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है रेवि रेविस्ट्रक्चर पूर, रेविट पूरा डिफरेंट है और स्टैट पूरा डिफरेंट है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा सीख सकते हो आप ओके और यहाँ पे मनीष ने बोला सर क्वेश्चन लिखा है ओके मनीष का क्वेश्चन लिखा हुआ है थैंक यू ऐसा ही सही रहता है कैट ऑलरेडी अगर आपने सीखा है तो आप सीख लो बीम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कैट नहीं सीखा है तो जल्दी से सीख लो आपके पास टाइम है एक हफ्ते का और अगर आपको लगता है प्रशांत कि मुझे नहीं सीख पाऊंगा तो मेरे पास पूरा वीडियो रखा हुआ है कैट का आप मेरे से ले लेना पूरा सीख लेना बैक के आराम से आकाशदीप ने बोला है सर ब्रिज और हाईवे डिजाइन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उसके लिए आकाशदीप आपका क्या बोलते हैं सीएसआई ब्रिज करके सॉफ्टवेयर होता है और एक एमएक्स रोड होता है दो में से कोई भी सॉफ्टवेयर सीख लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा मैं नहीं सिखाता पर्सनली उसको क्योंकि मुझे वो नहीं आता है सीएसआई ब्रिज तो थोड़ा आता है एमएक्स रोड नहीं आता मुझे बिल्कुल भी मधु को क्वेश्चन है कि सर हाउ टू तो क्रिएट पोर्टफोलियो फोरियो जी बोलो बोलो हांजी डिजाइन और एनालाइज दोनों हो जाती है जो आपने अभी सॉफ्टवेयर बताए थे ब्रिज हाँ हाँ, में दोनों हो जाता है सीएसआई ब्रिज में दोनों हो जाता है हाँ थैंक यू सर ओके ओके मधु ने बोला कि हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो सो इट इट जॉब मैंने मधु ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है एक वीडियो कि हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो आप प्लीज जाके उसको एक बार देख डालो वहां पर डाल देना मेरा नाम तो आपको तुरंत आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है क्या बोलते हैं यहाँ पे की लुमियन सिखाने वाले हाँ जी लुमियन में सिखाने वाला हूँ लुमियन बहुत मजेदार सॉफ्टवेयर मुझे खुद भी बहुत चलाने का मन कर रहा है बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक लैपटॉप ऑर्डर किया है मतलब करने वाला हूँ वो आ जाए उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा लैपटॉप आने के बाद क्योंकि लुमियन इधर उधर के सिस्टम में नहीं चलता है पूरा हैंग करने लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनाल का लगभग पंद्रह से बीस दिन में जल्दी लुमियन के बारे में बताऊंगा आपको टेकला एनालिसिस होता है तो फिर स्टार्ट क्यों सीखना पड़ेगा एक्चुअली टेकला की जो एनालिसिस है वो टेकला का दो सॉफ्टवेयर है एक डिजाइनर है और टेक्टा डिटेलर है मार्केट में टेक्ला डिजाइनर बहुत कम यूज करते हैं पहली चीज दूसरी चीज स्टेट प्रो के डाटा और उसके डाटा में फर्क रहता है स्टेट प्रो का डाटा बहुत बेहतरीन रहता है तो स्टेट प्रो को ज्यादा कंपनियां यूज करती हैं कुछ कंपनियां ही मुश्किल से होंगी जो टेकला डिजाइनर यूज करती होंगी ओके okay. और यहाँ पे यहां पे ज्योति ने पूछा कैन आई गेट आई गेट हां जी व्हाट्सएप पे आप मैंने व्हाट्सएप पे पूरा ग्रुप ही दे दिया आपको यहाँ पे लिंक है उस ग्रुप ज्वाइन कर लो आप उसको दास और साथ ही साथ अगर नहीं मिले तो मैं उसे सारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा डोंट वरी बाय द वे स्केचअप की डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में कर, क्या है समझा नहीं चेतन के क्वेश्चन को चेतन फिर से लिखना सर स्टेट प्रो भी इंक्लूडेड है बीम में नहीं नहीं स्टेट प्रो नहीं इंक्लूडेड है ये चारों सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड है

बिल्कुल बिल्कुल आप स्टेट प्रो कर लिए तो प्रो बहुत अच्छा है कि आपके लिए एक एडवांटेज है एनालिसिस करने के लिए ठीक है तो वो एक पार्ट आपने कर रखा है आगे का पार्ट आप भी इनसे सीख लो कंप्लीट ठीक है तो स्टेट प्रो आपने सीखा है वो बहुत अच्छा है वो आपके लिए वो आपको हेल्प करेगा आगे आपका जो अपना काम करोगे तो बहुत काम करोगा जी राहुल आर्किटेक्ट सीख जाऊं तो अच्छा रहेगा ना बीम के लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा रहेगा इवन आप पूरा का पूरा अपना काम कर पाओगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ठीक है बहुत अच्छा रहेगा ओके हाँ। हिमांशु ने लगेगा सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अभी फाइनल ईयर में गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ हिमांशु सीधी बात है कि अगर आप गेट के लिए फोकस हो तो प्लीज किसी सॉफ्टवेयर में अपना टाइम मत लगाओ मत सीखो आप आराम से गेट की प्रिपरेशन करो पहली चीज दूसरी चीज या तो फिर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इंस्टेंट जॉब चाहिए मुझे क्या बोलते आगे स्टडी नहीं करना है आगे आप गेट के थ्रू स्टडी ही करोगे तो बेटर रहेगा क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपको मुझे पता है गेट के बारे में अच्छे से तो मैं आपको यही बोलूंगा कि बेटर की अगर आप हायर स्टडी के लिए जा रहे हो तो गेट के लिए प्रिपरेशन करो जॉब के लिए जा रहे हो तो आप सॉफ्टवेयर सीख के जॉब करो तो ये क्लियर करो कि आप किस में जाना चाह रहे हो ठीक है फाइव ईयर साइट एक्सपीरियंस है सो आफ्टर ईयर बीम हाँ जी आप बीम में जाएंगे साइट वाले बीम में बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं उसका रीजन ये है कि उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहता है चेतन ने बोला है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की डिजाइनिंग किस में कर सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए यार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो यार मैंने डिजाइन ही किया चेतन वैसे और इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वाटर ट्रीटमेंट के लिए आई थिंक श्योर नहीं हूँ मैं क्योंकि मैं क्लियर बोलता हूँ जो बोलता हूँ ऐसे भी टू में आई थिंक हो जाएगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बट मैं चेतन आपको बताऊंगा जल्दी ही क्रॉस चेक करके ठीक है मुझे क्लियर नहीं है ब्रदर ओके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन तो तो आपको बताऊ कि मैं इतना ले रहा हूँ और अगर मैं भी टीम लीडर हूँ मैनेजर बना तो और लूंगा और बीम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना होगा ये बीम के लिए सारे सॉफ्टवेयर ये पांचों सॉफ्टवेयर आपको बीम के लिए आरिज बहुत अच्छा बना देंगे परफेक्ट हो जाओगे आप बीम में सही तरीके से

और अगर निखिल आपने अभी चॉइस नहीं लिया ना तो आप बाद में बहुत पछताओगे क्योंकि अगर आप अभी स्टार्ट कर दिए स्टार्ट भीम में जॉब तो आप 22 से 25 के बीच में अभी स्टार्ट कर जाओगे और छह महीने के बाद 30 पे पहुंच जाओगे आराम से लेकिन आपको साइड पे मैं बता दू साइड पर आप फंस जाओगे और थर्टी थर्टी के बाद ना बहुत मुश्किल आपकी ग्रोथ हेलो पर्सनली मैं आपको पर्सनली मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ अभी जल्दी से स्टेप ले लो नहीं तो लेट हो जाएगा

और यहाँ पे रियली ग्रेट जॉब थैंक यू सो मच ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आप लोग डेफिनेटली आप लोग हो तो मैं हूँ और मैं व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं कर पा रहा था इसलिए मैंने ये वेबिनार रखा हुआ है आगे भी मैं करूंगा ये वेबिनार मजा आया मुझे आप लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे सपोर्ट करते रहो थैंक यू सो मच ये ग्रुप मैंने बना दिया है जितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे बाकी हर जगह पे मैं वीडियो शेयर कर दूंगा डोंट वरी ठीक है चलिए सबको बाय बाय